इंडिया पाकिस्तान का गेम नेवर अ डल मोमेंट जब भी होता है, चाहे वो वर्ल्ड कप का हो या वैसे हम लेटरल सीरीज़ खेलें, तो उसमें यही है कि हमें जो जारी सी बात है वर्ल्ड कप में हमारा रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, ठीक है। लास्ट टाइम हम चैम्पियंस ट्रॉफी जो जीते वही हम उनसे जीते हुए हैं वर्ल्ड कप स्टेजेस पे, तो प्रेशर नहीं लेना, जाके पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी है जैसे रमीज़ भाई ने कहा, और हमें थोड़ा सा जो है ना प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। जो लोग वहाँ पे हैं वो बहुत ज़्यादा डिजर्विंग है, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है जब से मैं इनफिट था, सो दे थॉरली डिजर्व देयर प्लेसेस। आई जस्ट वांट टू विश देम ऑल द बेस्ट, और इंशाल्लाह ताला लाइक हम यही दुआ करेंगे और कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह ताला वो कप यहाँ पे लेके आए और मैं एयरपोर्ट जाऊँ उनको जो है ना रिसीव के। हम सब दुआगो हैं और इंशाल्लाह हम सब की बेस्ट विशेज़ हैं पाकिस्तान के लिए, और इंशाल्लाह पहला मैच इंडिया से है तो वो हम सब की दुआएं हम सबको करनी चाहिए कि वो मैच जीते और आता के जो है उनका मोमेंटम अच्छा बने। कौन से प्लेयर से आप उम्मीद लगा रहे हैं पाकिस्तानी टीम से बीइंग अ बैट्समैन कि वो सबसे अच्छा उसके अंदर पोटेंशियल है कि वो इंडिया के खिलाफ बेहतर काम करे? देखिए मेरी पर्सनली जो ख्वाहिश है कि शुएब मलिक जो है मेरे ख्याल से उनका इंडिया के अगेंस्ट रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है, और शुएब मलिक वास्टली एक्सपीरियंस है और मेरी पर्सनली विश भी है और मैं चाहता था कि वो टीम में हो, तो फाइनली वो आ गए, तो मैं चाहता हूँ कि उनकी परफॉर्मेंसेज ऐसी हों कि वो वर्ल्ड कप पाकिस्तान लिफ्ट कर सके। विश करना चाहूँगा पाकिस्तान टीम को जो गई है, फिट रखना तो इंसान को चाहिए अपने को हर फॉर्मेट के लिए, लेकिन अभी जो टीम गई हुई है बेस्ट विशेस के साथ है कि वर्ल्ड कप मेरी तो हमेशा से पाकिस्तान टीम के साथ अपने दोस्तों के बेस्ट विशेज हैं। बाकी जो आपने मेरी जिंदगी की बात की है वो तो उसका मुझे इतनी टेंशन नहीं होती, मुझे अल्लाह पे इतना यकीन है कि जब अल्लाह ने चाहा होगा तो मैं टीम में आ जाऊंगा, जब अल्लाह ने चाहा कि मैं टीम में ना रहूं तो मैं नहीं, वो उस पर तो मेरा कोई भी नहीं है, उस पर मेरा बड़ा अच्छा बिलीव है कि मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक अल्लाह ने चाहा। सबसे ज़्यादा जो हमें यहाँ पे एक मजबूरी है हमारे यहाँ पे कि हमारे पास सेफ स्पेसेस नहीं है बच्चियों के लिए खेलने के लिए, अगर वो स्कूल जाती हैं तो स्कूल में स्पेसेस नहीं होते, और अगर बाहर तो यहाँ पे निकलने का मतलब कुछ बहुत पेरेंट्स अलाउ भी नहीं करते हैं, तो इसका मकसद ये कि हम एक मैसेज भेजें जहाँ पे माँ बाप जो हैं वो अपनी बच्चियों को एम्पावर करें, उनको स्पोर्ट खेलने दें, उनको कोई भी एक्टिविटी करने दें और स्कूल में उनको ये करने दें क्योंकि वही सेफ स्पेस है उनके लिए। हर कदम सेहत की तरफ।